Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss 12 most important topics for NMAT exam. Guys, काफी लोगों का repeated ping आ रहा है because NMAT में exam में time कम है, तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि NMAT की कोई important topics बता दीजिए. So guys, वैसे तो आपको सभी कुछ पढ़ना होता है because आज के डेट में NMAT exams में variety बहुत आती है, but still बाकी exam में comparison में NMAT थोड़ा standard exam है. एंड मैट में कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आती हैं, 4-5 साल से लगातार वैसे ही आ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये 12 टॉपिक्स लिस्ट आउट करे हुए हैं कि कोई भी अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी में ये 12 टॉपिक्स अच्छे से कर लें डिटेल मैनर में. इवन अगर आपने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप लोग चेकआउट करो कि आपने ये 12 टॉपिक्स अच्छे से करें कि नहीं. तो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले प्रिपरेशन कर रहा है स्टार्टिंग से कर रहे हैं या जिसने अभी स्टार्ट किया है. बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये 12 टॉपिक्स में सिर्फ फोकस मत करना, मतलब ये तो प्रायोरिटी है, बाकी आपको करना सब कुछ चाहिए अगर आपको सेफ साइड रहना है. ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आप भी अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. अभी रिसेंटली मैंने डेटा सफिशिएंसी के एंड मैट के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, आपका डीएस में काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लोगे. हम लोग के चैनल में जाके देख लो, ठीक है, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा. चलो गाइस, सो गाइस इन लोग का टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लेना, इनका मैं लिंक्स कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्वांट्स का अर्थमेटिक. गाइस अर्थमेटिक जो है ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में 40% वेटेज होता है. अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम इनवर्स. ठीक है, तो आपको अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से करना है गाइस. ठीक है, अच्छे से करने मतलब है सारी वैरायटी देखनी है, सारे क्वेश्चन टाइप्स देखने हैं आपको. ये आपका पहला टॉपिक हो गया जो आपको करना है. सेकंड टॉपिक गाइस अलजेब्रा का है या एबीजीपी. एबीजीपी के क्वेश्चंस काफी देखे गए एनमैट में, एबीजीपी को अच्छे से कर लेना गाइस. थर्ड वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका अलजेब्रा के अंदर आता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्वेश्चंस काफी आते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफी डिटेल में कर लेना, बहुत हाई फाई नहीं करना है आपको, बट हाँ एक डिसेंट लेवल का, बिट बिलो कैट लेवल कर सकते हो. कैट में थोड़े ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे क्लैरिटी आपको होनी चाहिए रूट्स वगैरह की. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इससे. फोर्थ वी हैव लॉगरिथम्स, ये भी हमारा गाइस अलजेब्रा का ही टॉपिक है, लॉगरिथम से भी क्वेश्चन देखे गए कई बार. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स अलजेब्रा के जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 3 आपको करने हैं. देन वी हैव नंबर्स. नंबर्स देखने में छोटा लगता है बट नंबर्स में काफी वैरायटी होती है, नंबर्स को गाइस अच्छे से करना. कई बार ऐसा देखा गया कि नंबर से 2 या 3 क्वेश्चन एनमैट में आ गए. नंबर से मेनली एलसीएम, एचसीएफ मॉडल्स, रिमाइंडर कंसेप्ट, फैक्टोरियल वगैरह कर लेना अच्छे से. ठीक है, बाकी और भी काफी वैरायटी है. तो गाइस सिर्फ बेसिक्स वाली बात नहीं होती है, जो क्वेश्चन टाइप्स जो पॉपुलर है वो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता कि आप सोचो कैसे करना है, अगर आप सोचोगे टाइम निकल जाएगा. देन गाइस वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएनसी. पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनमैट के लिए. आई डोंट नो ऐसा क्या है बट हर साल एनमैट मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन देता है ये पीएनसी के. लास्ट ईयर एज हाई एज 11 क्वेश्चन आ गए थे एक स्टूडेंट के स्लॉट में, 11 क्वेश्चन सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी से. सोच के देखो तो गाइस पीएनसी प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से करना, आप इतना ज्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में नहीं होता पीएनसी प्रोबेबिलिटी का, बट एनमैट में होता है, इवन जीमैट में भी आता है. गाइस फिर गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी और वेन डायग्राम्स. ये बेसिकली आप एलआर का टॉपिक मान सकते हो बट क्वांट्स में भी आ जाता है. जो वेन डायग्राम्स आप लोग पढ़ते हो उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते बट आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. देन वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका गाइस वेटेज 50% होता है एलआर सेक्शन में. अगर 36 क्वेश्चन एलआर में आ रहे हैं, 36 में से 16 to 18 क्वेश्चन सीआर के रहेंगे. क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है, क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे गाइस पैराग्राफ बेस भी होता है, लाइक आपका स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट, वीकन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड जो पैराग्राफ वाले होते हैं, प्लस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब. तो क्रिटिकल रीजनिंग की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करना. ठीक है, इनपुट आउटपुट के गाइस 1 या 2 सेट आ जाते हैं एग्जाम में, इनपुट आउटपुट की डिसेंट प्रैक्टिस कर लेना, बहुत टाइम लगाना मत इसमें, क्योंकि वहां पे अगर आपको क्लिक करा कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर लीव कर देना, टाइम वेस्ट हो सकता है आपका. गाइस 11th वी हैव पैरा जंबल्स, ये वीआरसी का पार्ट है. पैरा जंबल्स में गाइस हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, तो जब आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं तो पैरा जंबल्स के 100 से 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से एनालाइज कर लो. ठीक है, कि वहां सही हो जाए. सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बट एरर स्पॉटिंग जो आता है या सेंटेंस करेक्शन जो आता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स लगते हैं,
तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना अभी, ठीक है गाइस। तो गाइस ये 12 टॉपिक्स अच्छे से कर लो। ये 12 टॉपिक्स से मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% में, बस 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है इससे आ जाए, ठीक है। और डिटेल में करना, बाकी गाइस डेटा सफिशियंसी में ज्यादा फोकस करो, बिकॉज काफी लोग बोलते हैं क्वांट्स में नंबर नहीं आते। उसका रीजन यही है कि डीएस आप लोग गलत करके आते हैं, और क्योंकि पेपर अडेप्टिव है तो अगर आप 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत कर दोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेनाल्टी लग जाएगी। तो डीएस को अच्छे से करो, डीएस अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओगे तो आपका एनवायरमेंट बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं 12 टॉपिक्स में डिपेंड मत होना गाइस, काफी बड़ा रिस्क है आपके लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है जब टाइम कम रहता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको सिर्फ 12 टॉपिक करने, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले हर हाल में ये 12 कर लो, करने बाकी भी सारे हैं क्योंकि बहुत टॉपिक्स बताए नहीं मैंने अभी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम कम होता है गाइस प्रायोरिटी बदलती है, वही बात है बस। गाइस अगर अभी भी एक स्ट्रक्चर में करना चाहते हो प्रिपरेशन, तो यू कैन चेक आउट अवर एनमेट स्नैपर कोर्स, क्योंकि देखने में ही टॉपिक्स 12 ही है, बट इनमें आपको अंदर डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, सरफेस लेवल पे पढ़ के नहीं होगा गाइस। फॉर्मूला 100 रुपये पढ़ के जाता है, सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, बट नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि जो क्वेश्चन टाइप एनमेट देने वाला है वो सेम क्वेश्चन टाइप आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अभी भी गाइस टाइम है, एनमेट स्नैप की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। हम लोग का एनमेट स्नैप का 3rd बैच ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, बस 15 कह रहा हूँ, तो अच्छे से करोगे हो जाएगा। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। हम लोग के मेन यूएसपी का क्या है कि हम लोग सब कुछ लाइव पढ़ाते हैं, और हम लोग की क्लासेस काफी डिटेल में होती है। हम चाहते हैं कि आपको कुछ और दिखे ना क्लास एग्जाम में, तो हम लोग की सारे वैरायटी क्लास में कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ नंबर्स की 17 क्लासेस हुई है, पीएनसी की हम लोग की 10 क्लासेस हुई है। इतनी क्लासेस का रीजन यही है कि कुछ भी नई वैरायटी ना दिखे, प्रैक्टिस शीट टॉपिक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। प्लस हम लोग ने क्रिटिकल लिसनिंग में बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्रिटिकल लिसनिंग में 15 क्लासेस हुई है लाइव, 600 क्वेश्चन का एक पोर्टल है क्रिटिकल रीजनिंग का, CR 600, वो 600 क्वेश्चन में से अगर 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे काफी फायदा हो जाएगा। और प्राइसिंग इसकी शायद अगर 12,000 तब भी कम होगा, हम लोग की प्राइसिंग कम रहती है सारे कोर्सेस की, ठीक है। ये हम काफी लोग डाउट करते हैं कितने कम है हाउ वी आर गिविंग, बट हम लोग का स्टार्टिंग से ही प्राइसिंग कम रहती है। एंड बाकी आप रिव्यूज देखोगे तो बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं, बिकॉज ये लास्ट ऑप्शन है। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया फिर आगे स्टार्ट नहीं कर पाओगे, फिर हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कंटेंट से। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस एनमेट अगर दे रहे हो तो अक्टूबर के बाद दो, नवंबर में दो, जल्दीबाजी में एनमेट मत दो गाइस, एक ही एडमिट मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर डिटेल्स एंड रिव्यूज। बाकी गाइस एनमेट के मॉक्स हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, और सारे मॉक्स बिल्कुल रेलिवेंट है, सारे हर एक क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, काफी अच्छे रिव्यूज है मॉक्स में। 2200 की कॉम्बो पे आगे एनमेट स्नैप का, और स्नैप के मॉक्स 1299 के अलग से, ठीक है गाइस। हम लोग का एक नॉन कैट कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये बाकी 4 एग्जाम्स इसको आप देख सकते हो, CMAT, SRCC, TESS एंड MGCVE। चलो गाइस सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, बाकी रिव्यूज हैं आप देख सकते हो उसको, रिव्यूज एंड रिजल्ट्स। सो गाइस टाइम आ गया है सीरियस वे में पढ़ने का, ठीक है। ये मत सोचो गाइस अभी टाइम नहीं है, काफी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, टाइम बहुत है। कैट लिए मैं मानता हूँ टाइम कम है, बट एनमेट में टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो किसी तरह का गाइडेंस चाहिए। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।